वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली। आप अध्याय 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असामान्य वितरण वर्णित है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्र से न्यून दाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी व कब नीचे बैठेगी। पवने पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती है, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारणों, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बलों तथा बल तथा वायु विक्षोभ वायु राशियों की बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ व उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विवरण सम्मिलित हैं। वायुमंडलीय दाब क्या? आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायु दाब से प्रभावित होता है। जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, वायु विरल होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी के कारण वायु दाब अधिक होता है। वायु दाब को मापने के लिए पारद वायु दाब मापी मर्क्यूरिक बैरोमीटर अथवा निद्रव बैरोमीटर एनरोइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के विषय में जानने हेतु भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 NCERT 2006 देखें। वायु दाब ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायु दाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह भिन्नता ही वायु दाब में गति का मुख्य कारण है। अर्थात पौने उच्च वायु दाब क्षेत्रों से कम वायु दाब क्षेत्रों की तरफ चलती है। वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायु दाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। सारणी दर 0.1 निश्चित ऊंचाई पर सारणी दर 0.1 निश्चित ऊंचाई पर मानक तापमान व वायु दाब स्तर वायु दाब मिलीबार तापमान डिग्री सेल्सियस में समुद्र तल पर 1013.25 15.2 1 किलोमीटर पे 898.76 8.75 किलोमीटर 540.48 -17.3 10 किलोमीटर पर 265.00 -49.60 डिग्री सेल्सियस वायुमंडल में औसत वायु दाब और तापमान को प्रस्तुत करती है। ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवने अधिक शक्तिशाली नहीं है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायु में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायु दाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायु दाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र पर वायु दाब वितरण मौसम मानचित्रों से दिखाया जाता है। चित्र 10.1 विभिन्न वायु दाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाता है। निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है जिसके केंद्र में ये निम्न दाब में 1014 मिलीबार 1016 मिलीबार 1018 मिलीबार द्रोणिका होती है, कोल होता है, अक्ष होती है, उच्च कोल बीच में, फिर से उच्च 1020 मिलीबार 1018 मिलीबार 1016 मिलीबार 1014 मिलीबार निम्न वाले में
1016 मिलीबार और 1018 मिलीबार रिज वाले क्षेत्र से उच्च 1020 मिलीबार। उत्तरी गोलार्ध में समदाब रेखाएं वायु दाब तथा पवन तंत्र हैं। निम्न वायु दाब होता है, उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं जिसके केंद्र में उच्चतम वायु दाब होता है। समुद्र तल वायु दाब का विश्व वितरण जनवरी और जुलाई महीने का समुद्र तल से वायु दाब का विश्व वितरण चित्र 10.2 और 10.3 में दर्शाया गया है। निम्न दाब 1000 उच्च के लिए 1030, 1020 और 1025 से दिखाई गई है। उच्च सबसे तो 1020 के आसपास पहुंचेगा, निम्न के लिए 1000 या 1005 मिलेगा। नीचे भी 1015 उच्च वाले कटघरी में आ रहा वायु दाब। मध्य समुद्र तल पर वायु दाब सम दाब रेखाएं मिलीबार में जनवरी में दिखाई गई हैं। ये 1010, 1015 और 1020 और 15 उच्च दाब के लिए 1000, निम्न दाब के लिए 1005 तक निम्न दाब, 1020 उच्च दाब के लिए बनी है। समुद्र तल पर वायु दाब सम दाब रेखाएं मिलीबार जुलाई में दिखाई गई हैं, जिसमें अंतर उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र में 0 से ऊपर उच्च वाले में नीचे और निम्न वाले में एक ऊपर दिखाई गई है। वायु विषुवत वृत्त के निकट वायु दाब कम होता है और इसे विषुवत निम्न वायु दाब निम्न अवदाब क्षेत्र इक्वेटोरल लो के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायु दाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तर व 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां हैं, जिन्हें अधो ध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायु दाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायु दाब पट्टी कहते हैं। ये वायु दाब पट्टियां स्थायी नहीं हैं, सूर्य किरण को विस्थापन के साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा की ओर घिसक जाती हैं। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल आप यह जानते हैं है कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिज ऊर्जा को पवन कहते हैं। पवन ने उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रवाहित होती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाला बल को कोरलियस फोर्स कहा जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पर्वतीय संयुक्त प्रभाव का अपने परिणाम है। दाब प्रवणता प्रभाव घर्षण बल तथा कोरलियस बल, इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करता है। दाब प्रवणता बल वायुमंडल दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहां समदाब रेखाएं आसपास हो वहां दाब प्रवणता अधिक व समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। घर्षण बल यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण बल होता है और इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। कोरलियस बल पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरलियस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पौने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ भी क्षेपित डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जब पौनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। कोरलियस बल अक्षांशों के कोण के सीधे समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। कोरलियस बल दबाव प्रवणता के समकोण
पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल सम दाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से एक समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवने इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर कोरिओलिस बल शून्य होता है और पवने सम दाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। वायु दाब व पौने पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों की को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किमी 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल के पवने धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरिओलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब सम दाब रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरिओलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवने सम दाब रेखाएं के समानांतर बहती हैं। ये पौने भू विक्षेपित जियो स्ट्रोफिक पौने के नाम से जानी जाती हैं। चित्र 10.4 में दिया गया सी फॉर कोरिओलिस बल, वी फॉर भू विक्षेपित पौने, पीएच फॉर क्षैतिज दाब प्रवणता, पीएच जो 704 मिलीबार, भी 708 मिलीबार, सी उत्तरी गोलार्ध, पीएच और भी 704 मिलीबार, 708 मिलीबार, नीचे सी दक्षिणी गोलार्ध में 10.4 भू विक्षेपित पौने दिखाई गई हैं। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पौनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। इन प्रणालियों में पौनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है। सारणी 10.2 पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित होता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसारित होगी और वा अभिसारित होगी ऊपर उठेगी। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। चित्र 10.5 अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रममिल रूप में सम्मोहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है जो बादल बनाने व वर्षण के लिए आवश्यक है। चित्र 10.2 चक्रवात व प्रति चक्रवात पवनों की दिशा का प्रारूप दाब पद्धति। चक्रवात प्रति चक्रवात केंद्र में दाब की दशा निम्न उच्च पवन दिशा का प्रारूप उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत विपरीत वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण भू भूपवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। दूसरा, अपसरण अभिसरण सतह अपसरण और अभिसरण पवनों का अभिसरण तथा अपसरण वायु दाब पट्टियों की उपस्थिति। वायु दाब पट्टियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन महासागरों व महाद्वीपों का वितरण तथा पांचवा, पृथ्वी का घूर्णन वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह वायुमंडल परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है जो पृथ्वी को की जलवायु को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक विवरण चित्र 10.6 में प्रस्तुत है। उच्च सूर्य ताप व निम्न वायु दाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITJCZ पर वायु सम्मोहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। उष्णकटिबंधों से आने वाली पवनों
इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं। अभिसारित वायु सम्मोहन कोष्ठ के साथ ऊपर उठती हैं। यह क्षोभ मंडल के ऊपर 40 किमी की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती हैं और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर वायु एकत्रित हो जाती हैं। इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है और यह उपोष्ण उच्च दाब बनाता है। अवतलन का एक कारण यह है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वीय पवनों के रूप में बहती है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वीय पवन में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पर मिलती हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ही दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ट सेल कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ट को हेडल कोष्ट कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रवाहित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों से आती गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं और यह कोष्ट ध्रुवीय भ्रमिल उत्तर ध्रुव में उत्तर दक्षिण ध्रुवीय पूर्वीय पवने ध्रुवीय कोष्ट ध्रुवीय जेट प्रवाह उपोष्ण जेट प्रवाह 60 डिग्री उत्तर और निम्न दाब उच्च दाब ऊपर उत्तर में अधो ध्रुवीय निम्न दाब पछुआ पवन उपोष्ण उच्च दाब 30 डिग्री उत्तर उच्च दाब उत्तर पूर्वीय व्यापारिक पवने 0 डिग्री पे भूमध्य वृत्त में अंतर उष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र दक्षिण पूर्वी व्यापारी पौने 30 डिग्री दक्षिण उच्च दाब उपोषण उच्च दाब उत्तर उच्च दाब पछुआ पौने 60 डिग्री पर दक्षिण से निम्न दाब अधो ध्रुवीय निम्न दाब उत्तरीय ध्रुवीय पौने उच्च दाब नीचे दक्षिण ध्रुव पे दिखाई गई हैं। वायुमंडल का सरलतम सामान्य परिसंचरण फेरेल कोष्ट के नाम से जाने जाते हैं। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं। इस कोष्ट को ध्रुवीय कोष्ट कहा जाता है। ये तीन कोष्ट वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रवाह करने निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में बृहत पैमाने पर चलने वाली पवने धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। महासागर वायु को ऊर्जा व जल वाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतरस्तंभ महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों की अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। मौसमीय पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक तापन पवन व वायु दाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं दक्षिण अमेरिकी के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पीरू की ठंडी धाराओं की का स्थान ले लेती हैं। पीरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के
वायु दाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायु दाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी दोलन बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को ईएनएसओ के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ईएनएसओ शक्तिशाली होता है, विश्व में बृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकाल ग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत भौतिक पर्यावरण क्लास 11 एनसीईआरटी 2006 में पढ़ेंगे सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न अन्य स्थानीय विसंगताएं नीचे वर्णित हैं। स्थानीय पौधे भूतल के सब गर्म व ठंडे होने से भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पौने प्रभावित होती हैं। स्थल व समुद्र समीर जैसा कि पहले वर्णित है, उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब बना रहता है। इसी से समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पौने समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसके भी एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है और जब दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। चित्र 10.7 में पहला वाला समुद्र, दूसरा वाला स्थल समुद्र समीर है। पहला वाला समुद्र, दूसरा वाला स्थल स्थल समीर है। स्थल समीर तथा समुद्र समीर पर्वतों और घाटी पौने दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पौनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पौने कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को और वही कैटबैटिक पौने कहते हैं। पर्वत श्रेणियों के पौन विमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पौने प्रवाहित होती हैं। पर्वत श्रेणी को पार करते हुए ये आर्द्र पौने संघनित हो जाती हैं और वर्षण करती हैं। जब ये पौन मुखी ढाल पर नीचे उतरती हैं, तब यह शुष्क पौनों रुद्धोष्म एडियाबैटिक प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं। ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ पिघला सकती हैं। वायु राशि एयर मासेस, जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो यह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशि कहलाती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जाता है, वायु का वह बृहत भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम है। वह समांग धरातल जिन पर वायु राशियां बनती हैं उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। एक उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, तीसरा उच्च 4000 मीटर किमी में 600, 400, 200 और कौशल इधर 0 से 200, 400, 600, 800 उष्ण वाताग्र शीत वायु किमी में 0 से शीत वाताग्र और कौशल वाताग्र 0 से 200, 400, 600 किमी ऊपर 4000 मीटर तक 200, 400, 600, 800 किमी तक शीत वाताग्र शीतल वायु
उष्ण वाताग्रह कुश वाताग्रह शीत वायु अधिक विष्ट वाताग्रह पहल अ में उष्ण वाताग्रह ब में शीत वाताग्रह तथा अधिक विष्ट वाताग्रह का खड़ी परिच्छेद चित्र में प्रदर्शित। अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर और चौथा उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, पांचवा अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप आर्कटिक तथा अंटार्कटिक। इसी के आधार पर निम्न प्रकार के वायु राशियां मापी पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि MT, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय CT, तीसरा ध्रुवीय महासागरीय MP, ध्रुवीय महाद्वीप CP, महाद्वीपीय आर्कटिक CA। उष्णकटिबंधीय वायु राशि गर्म होती है तथा ध्रुवीय वायु राशि ठंडी होती है। वाताग्रह फोरेंट्स जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्रह कहते हैं। वाताग्रह के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन फॉरेस्टिंग जेनेसिस कहते हैं। वाताग्र चार प्रकार के होते हैं, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, आचार वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें आचार वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती, जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि एक राशि वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो इसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। बहिरूषण कटिबंधीय चक्रवात एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये वे चक्रवातीय वायु प्रणाली जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं उन्हें बहिरूषण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। बहिरूषण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है, उत्तरीय गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ठ व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है, कोष्ठ वायु उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती है। इस चक्रवाती प्रवाह से बहिरूषण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। चित्र 10.9 एक ऐसी ही विकसित चक्रवात को दर्शाता है। इस चक्रवात में कोष्ठ वायु क्षेत्र या कोष्ठ खंड ठंडे अग्रभाग व पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। कोष्ठ वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में सस्तरी मेघ दिखाई देती है और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासीय मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह ढक लेते हैं। यह कोष्ठ वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तो अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। अ वाले चित्र में ब वाले शीतल वायु ए स्टार NI उष्ण केंद्र की गति की दिशा शीतल वायु उष्ण कोष्ठ वायु शीतल वायु कोष्ठ वायु NI A स्टार CI स्टार ST वर्षा मेघ पछाव मेघ 9 किमी। बहिरूषण कटिबंधीय चक्रवात चित्र 10.9
दिखाए गए हैं। धरातल तथा ऊंचाइयों पर वायु परिसंचरण की प्रक्रियाओं में निकट का अंतर्गत अंतर संबंध होता है। वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार भिन्न है। वही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती है। ये विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम को चलते हैं, जबकि वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात अंटार्कटिका महासागर में हरिकेन के नाम से पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली बिलीज के नाम से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। बृहत समुद्री सतह जहाँ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, दूसरा कोरियोलिस बल का होना, तीसरा ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण का होना, समुद्रीय तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघ से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होती है। समुद्र से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। ये चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक विवरण चित्र 10.10 में दर्शाया गया है। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल स्पाइरल पवनों का संचरण है जिससे इसकी आंख आई कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। शांत वायु क्षोभ सीमा 15 किलोमीटर, प्रचलित वायु उष्ण वायु का अवतलन 12 किलोमीटर पे, वही प्रवाह 9 किलोमीटर के बाद T2, 6 किलोमीटर के बाद T1, रैन बैंड कपास मेघ वर्षा मेघ के अछू भित्ति P2 वर्षा मेघ 3 किलोमीटर के कपास मेघ P2 अपियोन पे आँख होती है। बीच में 200 किनारे किनारे 300 और किनारे बीच में आँख तूफान की दिशा। चित्र 10.10 उष्णकटिबंधीय चक्रवात का खड़ा परिच्छेद। इसका केंद्रीय अक्ष क्षेत्र शांत होता है जहाँ पवनों का अवतलन होता है। अक्षु के चारों तरफ अक्षु भित्ति होती है जहाँ वायु का प्रबल व वृत्ताकार रूप में अवरोहण होता है। यह अवरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है जो 250 किमी प्रति घंटे तक होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आंख
सेरेन बैंड विकृत होते हैं। कभी तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां बाहरी क्षेत्रों की ओर विस्थापित हो सकती है। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किमी प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं। ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। तड़ित झंझा व टोरनेडो, थंडर स्ट्रोम एंड टोरनेडो अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तड़ित झंझा तथा टोरनेडो हैं। ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल सम्मोहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक महत्वपूर्ण विकसित कपासीय वर्षीय मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान शून्य से कम रहता है तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। तत्पश्चात नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु और वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायु दाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ वाटर स्पॉट कहते हैं। ये आक्रामक तूफान वायुमंडल ऊर्जा वितरण में भिन्नता या अस्थिरता वायु के व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है। इन तूफानों से स्थिति ऊर्जा व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है और अशांत वायुमंडल दशाएं पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती हैं। प्रस्तावित परियोजना कार्य करने के लिए मौसम पद्धति को समझने और मीडिया, अखबार, दूरदर्शन, रेडियो से संबंधित सूचनाएं एकत्र कीजिए। किसी अखबार की का मौसम संबंधी भाग, विशेषकर वह जिसमें उपग्रह से भेजा गया मानचित्र दिखाया गया है, पढ़े। मेघांचित क्षेत्र को रेखांकित करें। मेघों के वितरण से वायुमंडलीय परिसंचरण की व्याख्या करें। अखबार व दूरदर्शन पर दिखाए गए पूर्वानुमान से तुलना करें। यह भी बताएं कि सप्ताह के कितने दिन पूर्वानुमान ठीक था।